नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र यादव, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मुंबई की बेस्ट क्रिकेट एकेडमियों के बारे में वीडियो बनाओ। और दो चार भाई तो ऐसे हैं जो मुझे हर वीडियो में यही कमेंट करते हैं कि भाई मुंबई की बेस्ट क्रिकेट एकेडमी के बारे में वीडियो बनाओ। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुंबई की बेस्ट क्रिकेट एकेडमियों के बारे में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स निकलते हैं। दोस्तों, इन एकेडमियों को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इन एकेडमियों को ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड करते हैं। इसलिए जो जो एकेडमी के बारे में आपसे बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करके वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। यह एकेडमियाँ आपका करियर बदल सकती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से जुड़े यूजफुल वीडियोस मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है IAM Virender16। तो फिर चलिए, आपका बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पांचवीं जो क्रिकेट एकेडमी है वह है चंद्रकांत पंडित क्रिकेट क्लिनिक। यह एकेडमी रमाकांत आचरेकर सर के स्टूडेंट रह चुके चंद्रकांत पंडित चलाते हैं। आपको बता दूं कि चंद्रकांत पंडित इंडिया के लिए 5 टेस्ट और 36 ओडीआई मैच खेल चुके हैं और ये मुंबई के रणजी टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। इस एकेडमी में आपको हाईली मेंटेन्ड पिच और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती हैं। और बात करें यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस एकेडमी में 7 साल से लेकर 20 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ पर आपको 1800 से लेकर 2000 रुपए मंथली फीस लगते हैं। दोस्तों, चौथी जो क्रिकेट एकेडमी है वह है शिवाजी पार्क जिम खाना क्रिकेट एकेडमी। यह एक ऐसी एकेडमी है जहाँ से सबसे ज्यादा प्लेयर्स निकलकर इंडिया के लिए खेले हैं। एग्जांपल में आप सचिन तेंदुलकर को ले सकते हो, सुनील गावस्कर को ले सकते हो, प्रवीण आमरे को ले सकते हो, विनोद कांबली को ले सकते हो। ऐसे ऐसे 30 प्लेयर्स इस एकेडमी से निकलकर इंडिया के लिए खेले हैं। ये एकेडमी मुंबई की सबसे जानी मानी क्रिकेट एकेडमी है। इस एकेडमी में आपको अच्छे अच्छे फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छे अच्छे ग्राउंड्स मिलेंगे। और बात करें यहाँ पर बच्चों का एडमिशन लेने के लिए उनकी एज लिमिट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस एकेडमी में 10 साल से लेकर 20 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ पर आपको 1500 मंथली फीस लगती है। दोस्तों, तीसरी जो एकेडमी है वह है MIG क्रिकेट क्लब। यह एकेडमी मुंबई के सबसे पुरानी और सबसे बेस्ट क्रिकेट एकेडमी में से एक है। यहाँ पर आपको A1 फैसिलिटीज मिलेंगी और नई टेक्नोलॉजी के सारे सामान भी मिल जाएंगे। इस एकेडमी में सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी प्रैक्टिस कर चुका है। और बात करें यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस एकेडमी में 7 साल से लेकर 20 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए मंथली फीस लगती है। दोस्तों, दूसरी जो एकेडमी है वह है वेंगसरकर क्रिकेट एकेडमी। यह एकेडमी इंडिया के पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने एस्टेब्लिश की थी। इस एकेडमी में आपको अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा, वेल मेंटेन्ड पिच मिल जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर बच्चों के स्किल को डेवलप करने के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और बात करें यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस एकेडमी में 8 साल से लेकर 17 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ पर आपको 1800 रुपये मंथली फीस लगती है। दोस्तों, पहली जो एकेडमी है वह है प्यादे स्पोर्ट्स क्लब। इस एकेडमी में आपको अच्छी फैसिलिटीज के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड कोच के अंडर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और बात करें यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस एकेडमी में 8 साल से लेकर 20 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये मंथली फीस लगती है। तो दोस्तों, यह थी मुंबई की टॉप 5 क्रिकेट एकेडमीज, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स निकलते हैं। अगर आप भी एक अच्छे लेवल पर खेलना चाहते हो या इंडिया के लिए खेलना चाहते हो, तो आप बेझिझक होकर इन एकेडमियों को ज्वाइन कर सकते हो। यह एकेडमियाँ आपको क्रिकेटर बना सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।